Tamam, bol. Hello, good morning, my dear students. I am here, Dr. Hina Sanghani, and I am taking PG chemistry class having the subject that is analysis of paints. Paints as such, what is a paint? Paint is nothing but it is a formulated mixture of four ingredients. It consists of binders for the paints, solvents, pigment for the paints and additives for the paints. Now, जैसा कि हमने समझा था कि पेंट में चार चीजें हैं, बाइंडर, सॉल्वेंट, पिगमेंट और एडिटिव्स। पेंट के जो कंटेंट्स है वो अगर हम देखने जाएं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉल्वेंट बॉर्न पेंट और दूसरा है बॉर्न पेंट। सॉल्वेंट बॉर्न पेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सॉल्वेंट और सॉलिड्स। और जो दूसरा है वाटर बॉर्न पेंट, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज व्हीकल और पिगमेंट। अब इसमें जो सॉल्वेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है और व्हीकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो अलग अलग है। इसमें सॉल्वेंट का मतलब वो कहता है सॉल्वेंट, लिक्विड एडिटिव और बाइंडर सॉल्वेंट, ये तीनों का मिक्सचर जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है। परंतु जब हम वाटर बॉर्न पेंट की तरफ आते हैं तो व्हीकल जो है ये थोड़ा ब्रॉडर वे में कवर अप करता है, दैट इज सॉल्वेंट, लिक्विड एडिटिव, बाइंडर सॉल्वेंट और बाइंडर सॉलिड्स को भी इंक्लूड करता है। अगर हम पेंट्स के डिटेल में जाएं तो पेंट जो है वो दो प्रकार दो को मिलाकर बनाया जाता है, पिगमेंट और बाइंडर। पिगमेंट एक ऐसा पाउडर है, वो पाउडर के अंदर हम बाइंडर को ऐड करते हैं और पेंट बनता है। पेंट जो है ये कंपोजिशन ऑफ पेंट और व्हाट इज पेंट के बारे में अब हमने पढ़ा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम पेंट के बारे में सोचते हैं तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेंट में, आइडियल पेंट में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पेंट की तरह से इस्तेमाल हो। इसके लिए हमें थोड़ा सोचना होगा। पहला, वो ईज ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, उसमें गुड फ्लो आउट होना चाहिए और उसके एप्लीकेशन मार्क्स अच्छी तरह से होने चाहिए। दूसरा, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव फिल्म, हाई ओपेसिटी। इसमें हाई ओपेसिटी का मतलब होता है, कि वो जो पेंट है वो पूरी तरह से ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि वो एनवायरमेंट से एक्सपोज ना हो और एनवायरमेंट का जो ऑक्सीजन है वो पेंट को क्रॉस करते हुए वो प्रोटेक्टिव फिल्म को अंदर ना आने, प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करे और उसको ऑक्सीडाइज ना करे। उसके बाद एक बार अगर पेंट अप्लाई करते हैं तो उसका क्विक ड्राइंग भी होना चाहिए और उससे ऊपर उसका करोजन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। अब पेंट ऐसा तो नहीं है कि दीवारों को ही लगाया जाता है। पेंट जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लोहे के ऊपर या फिर और दूसरे अलॉयज या मेटल के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे करोजन भी नहीं होना चाहिए उस मेटल का, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो पेंट का जो नेचर है आइडियली इन सब बातों को कवर करना करने वाला होना चाहिए। और इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टर, हीट रेजिस्टेंट कैरेक्टर, कलर स्टेबिलिटी, एब्रेशन एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इन सब के अलावा जो मैं लास्ट में कह, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि पेंट एक बार अप्लाई होने के बाद हमें उसे इजीली क्लीन करते आना चाहिए। अब ये हो गई पेंट की बात।
आइडियली जैसे वो अप्लाई किया जाता है, लेकिन अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ गुड्स है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, तो वहां पर जो पेंटिंग होती है वो पाउडर कोटिंग के रूप में, ये जो पाउडर होता है ये रेजिन से बना होता है, ये जनरली इपॉक्सी रेजिन लिया जाता है, पिगमेंट्स और कैटलिस्ट इसको इसकी इसमें क्रॉस लिंकिंग को प्रमोट करते हैं, और जब आप इसको पाउडर क्रॉस लिंकिंग करते हो और पाउडर को हीट करते हैं एडिटिव्स के साथ, जब ये स्प्रे किया जाता है तब गन के द्वारा, तो वो एक हार्ड कोटिंग बनाता है, इसे हम पाउडर कोटिंग कहते हैं। ये वुड या प्लास्टिक्स में किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर हमने वाइट ग्लॉस एल्किड पेंट, वाइट ग्लॉस के इसमें एक अपने पास पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट दो प्रकार के हैं, एक है वाइट ग्लॉस को लेकर, एक है वाइट ग्लॉस को लेकर और दूसरा है वाइट मैट इमल्शन पेंट को लेकर। जब इन दोनों पाई चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं या देखते हैं तो हमको ऐसा पता चलता है कि एक में बाइंडर 30% है और दूसरे में बाइंडर 14% है, जबकि पिगमेंट की जो मात्रा है वो दोनों में 25% है। एक में एक्सटेंडर ऐड किया गया है, यानी कि मैट फिनिश में अपन ने एक्सटेंडर ऐड किया है, वेयर एज जब हम ग्लॉसी लेते हैं तो उसमें वहां पे एक्सटेंडर नहीं डालते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, और एडिटिव्स 5% दोनों जगह सेम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट की मात्रा जस्ट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, दैट इज पहले इस पहले ग्लॉसी में 40% है और बाद में मैट में 44% है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरे स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये यहाँ पर जो दिखाया गया है ये है रेजिन। अब बाइंडर जो है, बाइंडर क्या होते हैं, किसे कहते हैं बाइंडर? ऐसे पॉलीमर रेजिन जो कंटिन्यूस फिल्म फॉर्म करते हैं सरफेस के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा, जब हम लोग एक थर्मोकोल के पेपर के ऊपर, थर्मोकोल की शीट के ऊपर जब हम उसको चमकी से लिखना चाहते हैं उसको, तो हम लोग कैसा मेथड यूज करते हैं? तो तब हम लोग क्या करते हैं कि एक गम का बॉटल लेते हैं, उसमें से ग्लू निकालते हैं और ग्लू के अंदर चमकी वाला जो पाउडर होता है वो पाउडर मिक्स करते हैं। तो पाउडर जो है इट इज एक्टिंग एज अ पिगमेंट, और जो ग्लू है वो बाइंडर का काम करता है वहां पर। सेम वे में बाइंडर ऐसी वस्तु है या ऐसा पॉलीमर है, ऐसा रेजिन है जो एक कंटिन्यूस फॉर्म करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। दूसरा, सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। अब जैसा कि पिछले जो स्लाइड थे उसमें हमने एक ड्रम का फोटो शो किया था, वो ड्रम के ऊपर हमने सॉल्वेंट फॉर पेंट्स दिखाया था, तो उसमें वाटर बॉर्न था और ऑर्गेनिक था। तो डिपेंड करता है कि पेंट कैसा है, वाटर बेस्ड है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेस्ड है, इसमें दो प्रकार आ जाएंगे। अब पेंट जो पेंटर होता है, वो पेंटर जब अप्लाई करता है पेंट को तो उसको उसकी कंसिस्टेंसी पता होती है, तो उस कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए वो सॉल्वेंट ऐड करता है। तो सॉल्वेंट जो ऐड करता है यहाँ पे जो टर्पेंटाइन जो है वो डाला जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर सारे दिख रहे हैं, इसे मैंने हर एक के प्रकार लिए गए। पहला जो स्पून पे दिखाया गया है दैट इज दी पॉलीमर रेजिन जो कंटिन्यूस फिल्म फॉर्म कर रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है तो हमको पता चल रहा है। दूसरे इसमें वो बता रहा है पेंट एडिटिव के बारे में, जो अपना लास्ट ऑप्शन है। अब ये जो पार्ट है दैट इज पिगमेंट, अब हम पिगमेंट की तरफ आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी बॉटल्स है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल कलर्स के पिगमेंट पाउडर्स दिखाए गए हैं। अब पिगमेंट क्या है,
पिगमेंट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो डिस्पर्स होता है पूरी तरह से थ्रू आउट द कोटिंग टू इम्पार्ट द कलर. कलर डालता है वो और उसके अंदर ओपेसिटी बनाता है. ओपेसिटी का मतलब होता है, अब ये जो चम्मच से जो आपको पॉलीमर रेजिन गिरता हुआ दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर जब आपने पिगमेंट डाल दिया तो पिगमेंट डालने पर ये पिगमेंट इस पॉलीमर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको वो एक प्रकार से कोटिंग का रूप लेगा. जब हम उसको अप्लाई करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर तो वो पेंट के रूप में आएगा और उसकी ओपेसिटी बरकरार होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार पेंट हमने लगाया तो उसका बैकग्राउंड या फिर बैक सीमेंट या फिर अगर वो लोहे का अलॉय है या कुछ और पार्ट है तो नीचे का पार्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं तो फिर उसका पर्पस पूरा नहीं होगा. पेंट का पर्पस क्या है? पेंट का पर्पस है अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इसका मेन ये है, मोटिव है. अब हम लोग चलते हैं आगे एडिटिव की तरफ. अब एडिटिव जैसा कि हमने पहले पाई चार्ट में बताया कि 5% ऐड किया जाता है. अब एडिटिव जो होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा बग जूस है, ठीक है. तो एडिटिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो मॉडिफाई करते पेंट की प्रॉपर्टीज को. अभी पेंट में कई बार ऐसा होता है कि पेंट कुछ दिनों बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है और पेंट धीरे धीरे अपने आप खराब होने लगता है, काई लगने लग जाती है उसमें. तो पेंट में इन सब जो जैविक या बायोलॉजिकल चीजों से जो एक्सपोज होता है पेंट, उससे उसका बचाव होता रहे, इसलिए पेंट में कुछ एडिटिव्स डालना बहुत जरूरी हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ. पर इसमें जो हेडर में आपको बताया गया है कि पिगमेंट पाउडर है, पाउडर जब बाइंडर के साथ मिक्स होता है तो वो एक डिस्पर्स्ड रूप में थ्रू आउट बनाता है और पिगमेंट बाइंडर और सॉल्वेंट मिलाकर एक पेंट का निर्माण होता है. अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे. अब ये जो है बाइंडर, बाइंडर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है. ये मेन इंग्रेडिएंट में एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो रहते हैं? बाइंडर्स जनरली अच्छे एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बाइंडर हमेशा होल्ड करता है पिगमेंट पार्टिकल्स को और इसके अलावा बाइंडर जो है वो पूरी तरह से डिस्पर्स करता है कैरियर को. अब कैरियर यानी कि अगर वाटर बॉर्न पेंट होगा तो वाटर कैरियर रहेगा, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होगा. अब जो सॉल्वेंट कौन कौन से, तो सॉल्वेंट में अगर हम आएंगे तो सॉल्वेंट में स्थिति ऐसी है कि सॉल्वेंट आर द थिनर्स दैट आर यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेंट. अब सॉल्वेंट फिर से वही वाली बात हो गई कि सॉल्वेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वाटर बेस्ड होगा या ऑर्गेनिक बेस्ड होगा, ठीक है. अब हम लोग बाइंडर, पिगमेंट, एडिटिव्स, ये जो है जब डिस्पर्स हो जाते हैं पूरी तरह से कोलाइडल डिस्पर्शन के रूप में, तब हम उसे सॉल्वेंट का नाम देते हैं. अब सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है? सॉल्वेंट जो है वो मॉडिफाई करता है. क्या मॉडिफाई करता है? पेंट की विस्कोसिटी को, और जितनी विस्कोसिटी उसको रिक्वायर्ड है वो प्रदान करता है. और यहाँ पे जो मेथड्स यूज होते हैं, कई बार ब्रश यूज होता है, कई बार रोलर यूज होता है, कई बार डिप किया जाता है, कई बार स्प्रे किया जाता है. तो ऐसे अलग अलग तरीके से पेंटिंग जो है बनाई की जाती है. अब सॉलिड है वो एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट के बाद अपने आप सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाता है और कोटिंग जो है वो पेंट की जो सरफेस पे या सबस्ट्रेट पे लगी रहती है. ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है जो पेंट को अपने आप में डिसॉल्व करती है. परंतु इसमें एक बात देखने वाली है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होते हैं जनरली ये टॉक्सिक होते हैं, ये इट इज हार्मफुल.
as far as environment is concerned. तो ये उड़ तो जाते हैं, evaporate तो हो जाते हैं, but ये toxic होते हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करना होता है. अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे. अब पिगमेंट, पिगमेंट क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है जो डिस्पर्स हुए हैं और कोटिंग को और कलर ओपेसिटी दे रहे हैं. उसके अलावा वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं यूवी लाइट से. इसके अलावा पिगमेंट चेंज द पेंट अपीयरेंस, दैट इज ग्लॉसी लेवल. ये तो डिपेंड करता है, ये हार्डनेस को बढ़ाता है. अब जैसे दीवार हो या कोई सबस्टेट हो या लोहा हो, तो अगर आपको उसको कलर करना है या पेंट करना है, तो उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ेगी उसके ऊपर हार्डनेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये डक्टिलिटी को कम करता है. पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, या तो वो नेचुरल हो सकता है या फिर सिंथेटिक हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है. इसके अलावा फिलर्स और एक्सटेंडर्स को भी पिगमेंट का नाम दिया गया है. अब फिलर्स और एक्सटेंडर्स जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, जो कॉमनली नेचुरली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो पेंट में डाले जाते हैं. इससे क्या होता है, पेंट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो पेंट इंक्रीज होने की वजह से वो एक फिल्म बनाता है और फिल्म को एक थिकनेस प्रदान करता है. इससे पेंट जो है वो थिक होगा और हमारा जो पेंटिंग का जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छा जाएगा. और इसके अलावा ये क्या करेगा, टू इम्पार्ट द टफनेस बोला गया है. और इसके अलावा अब्रेजन रेजिस्टेंट कोटिंग भी रहेगी. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये सारी पिगमेंट फॉलो करता है. अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ, दैट इज एडिटिव्स की तरफ. एडिटिव क्या है, जो थोड़े मात्रा में डाला जाता है जो पेंट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है. अब कौन कौन से एडिटिव्स या क्या ऐसा हम ऐड कर सकते हैं, तो जैसे ड्रायर है, तो ड्रायर क्या करेगा, पेंट को जल्दी से ड्राई करने की ये करेगा, प्रॉपर्टी देगा. और कैसे ड्राई करेगा, कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द बाइंडर, उसका काम रहेगा बाइंडर को ऑक्सीडाइज करना है. तो ड्रायर का बेसिकली काम है पेंट के ड्राइंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है. कैसे, बाय कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अ बाइंडर. अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, दैट इज प्लास्टिसाइजर. अब पेंट जो होते हैं उसको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा. फ्लेक्सिबल होंगे तो वो अलग अलग शेप्स के जो सब्सटेंसेस है या सबस्ट्रेट है उसके ऊपर प्रॉपरली जाएगा. इस वजह से उसमें जो एडिटिव्स डालते हैं उसमें एक प्लास्टिसाइजर बड़ा रोल प्ले करता है. इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि जैविक चीजें जैसे कि बायो जो है बायो एटमॉस बायोलॉजिकल जो थिंग्स है जैसे काई लगना, पेंट खराब हो जाना, तो ये जो है इंसेक्टिसाइड्स और बायोसाइड्स और फंगिसाइड्स ये डाले जाते हैं. इससे अटैक नहीं होता है फंगाई बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स का. हमने इतना पेंट के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन पेंट में बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करके इन सब चीजों को डाला गया है. इसके अलावा फ्लो कंट्रोल एजेंट्स जो फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है. अब फ्लो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे एजेंट्स डाले जाते हैं. और कई बार जैसे सॉल्वेंट ऑर्गेनिक हुआ तो फिर फोम भी बनाता है. फोम बनाने से फिर बबल्स बन जाएंगे और फिर कोटिंग में हमको बबल्स दिखते हैं कई बार. ऐसा कोटिंग जब हम लगाते हैं पेंट की तो उसमें कई बार हमको बबल्स दिख जाते हैं. तो उसके लिए फिर डिफोमर्स डालने होते हैं. तो डिफोमर्स डालने की वजह से वो बबल्स नहीं बनते और फिर बबल्स नहीं बनते और यूनिफॉर्म कोटिंग प्रॉपरली डिस्पर्स्ड पिगमेंट्स के द्वारा दिखाई पड़ती है. इन सब के अलावा और इमल्सिफायर्स भी जोड़े जाते हैं. इमल्सिफायर जो है वो वेटिंग एजेंट्स है जो उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं. अभी ऐसा नहीं है कि बाजार में पेंट आया तो पेंट बाजार में आते आते ही सूख गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसकी कोलाइडल स्टेबिलिटी भी उतनी जरूरी है, इसलिए उसमें इमल्सिफायर्स भी डाले जाते हैं. उसके बाद यूवी स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं
जो पेंट को यूवी लाइट से स्टेबिलिटी देते हैं, और एंटी स्किनिंग एजेंट जो प्रिवेंट करता है स्किन इन द कैन, दैट इज अब एडहेशन प्रमोटर्स जो है वो एडहेशन को इम्प्रूव करता है. सबस्ट्रेट के साथ उसका चिपकना बहुत जरूरी है, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर प्रॉपर कोटिंग के रूप में जाना जरूरी है, इसलिए उसके एडहेशन प्रॉपर्टी को एडहेशन प्रमोटर्स इम्प्रूव करते हैं. उसके बाद एंटी स्किनिंग एजेंट जो अभी ऊपर बताया गया है, आपने सुना होगा कि पपड़ी गिरती है पेंट की, है ना, तो पेंट की पपड़ी गिरना यानी स्किनिंग, उसका जो है लेयर वो गिर जाना, तो वो न गिरने के लिए या उसको बचाए रखने के लिए एंटी स्किनिंग एजेंट्स जोड़े जाते हैं. इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज करोजन इनिबिटर्स, जो करोजन रेट कम करते हैं उसका, और जो लास्ट है वो टेक्सचर है. तो आजकल पेंट तो एक से एक सुंदर सुंदर टेक्सचर्स इम्पार्ट करते हैं जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. अब हम लोग आते हैं अगले साइड की तरफ. अब बाइंडर जो है उसके एग्जाम्पल्स बताए गए हमको. एल्किड रेजिन्स होते हैं, एक्रेलिक रेजिन्स होते हैं, लैटेक्स होता है, फिनोलिक रेजिन्स होते हैं, यूरिथेन रेजिन्स होते हैं, और इपॉक्सी रेजिन होता है. लास्ट क्लोरीनेटेड रबर भी एक ऐसा है. अब इसमें इसका यूज क्या है, एल्किड रेजिन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड दी पॉलियॉल्स, यानी कि मल्टीपल एल्कोहल्स पॉलीबेसिक एसिड्स के साथ. उसके बाद एक्रेलिक रेजिन जो है वो प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलिक एंड मेथेक्रेलिक एस्टर. लैटेक्स क्या है, लैटेक्स जो है वो विनिल पॉलीमर है प्रिपेयर्ड विद द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर विनिल एसिडेट. विनिल एसिडेट के पॉलीमराइजेशन द्वारा फ्री रेडिकल होने की वजह, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से वो बनता है. फिनोलिक रेजिन्स जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है जो बनाए जाते हैं सिंपल फिनॉल और एल्डिहाइड्स को लेकर. यूरिथेन रेजिन जो है वो बनाए जाते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. तो ये हो गया इसकी पॉलीमराइजेशन टेक्निक के बारे में. हमको बेसिकली इसके एप्लीकेशन की तरफ ध्यान देना है. तो इपॉक्सी रेजिन जो है वो क्रॉस लिंकिंग के द्वारा बनाया जाता है, और क्लोरीनेटेड जो है वो नेचुरल रबर जो है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डिग्रेडेड नेचुरल रबर इन द प्रेजेंस ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, और जो क्लोरीन जो है वो क्रॉस लिंकिंग का रूप लेकर आगे बढ़ता है. इस तरह से बाइंडर काम करते हैं कॉमन. अब सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है, वो विस्कोसिटी देती है, उसमें एनेबलिंग द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट टू पर्टिकुलर टेक्निक, जैसे कि उसको ब्रशिंग से पेंट किया जा रहा है, या स्प्रे किया जा रहा है, या रोलर किया जा रहा है, रोलर से किया जा रहा है, या डिपिंग किया जा रहा है. इसके अलावा प्रमोटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पेंट ड्यू टू द इवेपोरेशन, वो सॉल्वेंट जो है उसको ड्राइंग की तरफ ज्यादा ले जाता है. सॉल्वेंट अगर ऑर्गेनिक हुआ तो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है. और इसमें जो दूसरे सॉल्वेंट्स ऐड किए जाते हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड हो सकते हैं, जिसे व्हाइट स्पिरिट का नाम लिया गया है. एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो उसमें एग्जाम्पल टोल्यून और ज़ाइलीन यूज करते हैं. बट हमेशा ध्यान में रखना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर वो कई सारे टॉक्सिक है, इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए. कीटोन्स के रूप में जो यूज हो रहा है वो है मिथिल एथिल कीटोन. ईस्टर्स जो यूज हो रहे हैं, एल्कोहल्स जो यूज हो रहे हैं, ग्लाइकोल ईथर्स जो यूज हो रहे हैं, या ग्लाइकोल ईथर ईस्टर्स यूज हो रहे हैं, ये सारे जो है वो सॉल्वेंट्स है. अब हम लोग बढ़ते हैं पिगमेंट्स की तरफ. अब हमारे पास यहाँ पे सुंदर सुंदर पाउडर यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए गए हैं. अब यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पाउडर दिखाया गया है ऊपर, वो है टिटानियम डाइऑक्साइड TiO2. ये एक वैसा व्हाइट इनऑर्गेनिक पिगमेंट है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में जिसको हम कहते हैं रूटाइल या एनाटेज, और टिटानियम जो ऑक्साइड है वो उसका सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि उसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एनाटेज का 2.52 और रूटाइल का 2.76. इसी वजह से ये प्रॉपर्टी है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से ये एकदम वाइट क्लियर कलर देता है,
और इसका मेन एप्लीकेशन है इंटीरियर पेंट्स को, पेंट्स में यूज होता है. घर जितने भी इंटीरियर पेंट्स है जहां वाइट का इस्तेमाल होता है वहां TiO2 का इस्तेमाल हुआ है. फोटोकेमिकली ये इनर्ट है, ठीक है, और ये जो है पेंट का काफी प्रोटेक्शन करते हैं और पेंट को डिग्रेड होने नहीं देते लाइट से. जनरली लाइट से पेंट डिग्रेड हो जाता है, तो इससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है. और टिटानियम जो है वो वाइडली यूज पिगमेंट है. अब हम लोग दूसरे इसकी तरफ बढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड. अब जिंक ऑक्साइड भी एक वाइट सिंथेटिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा है 2.01. तो जो 2.01 टू एंड अबव जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख और वाइट कलर के दिख रहे हैं उसमें दो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, दैट इज TiO2 और ZnO. अब हम लोग आते हैं दूसरे पिगमेंट की तरफ, दैट इज जिंक येलो. जिंक येलो 36 जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो ये जो है उसका और जिंक क्रोमेट ZnCrO4 का इस्तेमाल होता है. येलो डाइज भी है जो स्टेबल होते हैं और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक पिगमेंट से बनाते हैं और उसकी ओपेसिटी बहुत अच्छी होती है. ओपेसिटी का मतलब अंदर का मटेरियल बाहर ना दिखे और एक ओपेक कोटिंग, एक यूनिफॉर्म, एक लेयर तैयार होना चाहिए. तो उसका पर्पज ये सॉल्व करते हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज बेंजीडीन येलो. ये भी येलो टू रेड ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है जो इंटीरियर एप्लीकेशंस की तरफ. अब रंगों में या पेंट्स में हमको चाहिए उतने ऑप्शंस अवेलेबल है और वो जो ऑप्शंस है हमको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं. अब हम लोग आते अगले, अब इस अगले पिगमेंट की तरफ में जब हम बढ़ते हैं तो क्रोम येलो जो ग्रीन है ऊपर की तरफ में ग्रीन पिगमेंट दिखाए गए. आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा फील हो सकता है कि क्या मैडम होली के रंग और होली के पाउडर्स दिखा रही है, पर ऐसा नहीं है. ये एक मेटल या पिगमेंट है जिसके पाउडर्स है. अब इसके बाद थायलोसाइनिन ग्रीन जो है वो ब्लू ग्रीन कलर दिखाता है. अल्ट्रामेरिन ब्लू जो है वो नेचुरल पिगमेंट है जो सेमी प्रिशियस मिनरल लैपी लैजुरी से बनता है और फेडिंग नहीं होता है, इट इज रेजिस्टेंट टू फेडिंग. उसके बाद वर्मिलियन भी एक नेचुरल ऑरेंजिश रेड जो पिगमेंट है जिसमें जो टॉक्सिक मेरकुरिक सल्फाइड रखता है. अब मैंने जैसा पहले ही कहा था कि पिगमेंट जो है उसमें दोनों प्रकार है, या तो वो ऑर्गेनिक है जो, या तो वो टॉक्सिक है या तो वो नेचुरली है, नेचुरल अकरिंग भी रहते हैं. तो इसमें टॉक्सिक जो पार्ट है उसमें हमको सावधानी से उसका इस्तेमाल करना होता है और एनवायरमेंट को सही है या नहीं है वो देखते हुए आगे बढ़ना होता है. और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो लास्ट वाला कहा गया है, दैट इज कार्बन ब्लैक, जो हमको ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि वुड बोन्स के चारिंग से मिलता है और उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके थर्मल डिकम्पोजिशन इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस से जब हम करते हैं तो कार्बन ब्लैक बनता है. अब कार्बन ब्लैक जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑटोमोबाइल टायर्स के लिए. मतलब वो टायर्स में जब हमने कार्बन को ऐड किया तो जो कार्बन है वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्पर्स होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका हार्डनेस है, उसकी इलास्टिसिटी है, उसको धीरे धीरे वो कम करता है, हार्डनेस की तरफ बढ़ाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसकी प्रॉपर्टीज को रेनफोर्स करता है. इसीलिए आयरन कार्बन ब्लैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद आते हैं हम आयरन टू ऑक्साइड जो इनऑर्गेनिक ब्लैक पिगमेंट है. ये सारे जो कलर्स यहाँ लिखे गए हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पाउडर्स के पिगमेंट्स के मुझे जो मिले वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है. अब ये जो पिगमेंट्स है एक्चुअली होता ऐसा है कि जो बाहर स्क्रैप मटेरियल होता है, लोहा है या ये जो स्क्रैप मटेरियल होता है, पहले उसको छाटा जाता है. जब हम लोग वो छाट लेते हैं तो पूरा उसको एक जगह पे करते हैं और एक जगह पे करने के बाद हम उसको एक टैंक में लेते हैं और टैंक में हम उधर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे येलो कलर का पिगमेंट अगर आपने लिया तो केमिकल ट्रीटमेंट से उसका कलर येलो चेंज हो गया. अभी येलो कलर जो है वो पूरा लिक्विड स्टेट में होता है, आपको उसको पहले कॉन्सेंट्रेट करना होगा. उस
उसका जो हम लोग सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे उड़ाते चलते हैं और फिर वो जो पिगमेंट है पाउडर के रूप में धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट होता जाता है और फिर उसको एक रोलर वाला जो ड्रम होता है उस पर रोल ऑन किया जाता है। तो पाउडर जो है ये एक लेयर बनाते हुए वहां पे वो ड्रम के ऊपर लग जाता है एक लेयर के रूप में और फिर उसमें से जो धीरे धीरे सॉल्वेंट पूरी तरह से इवेपोरेट किया जाता है और इस तरह से ये पिगमेंट वो जो है उसका पूरा सॉल्वेंट जब उड़ा देते हैं तो फिर ये पाउडर बन जाता है। एक्चुअली ये कुछ बेसिकली देखा जाए तो सॉल्वेंट को उड़ाने के बाद जो मेटल जो छोटे छोटे पिगमेंट है ये छोटे छोटे पाउडर का रूप ले लेते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ नहीं, एक प्रकार का एक केमिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं इस पे, इसके बाद फिलर्स और एक्सटेंडर्स के एग्जाम्पल। तो मैंने जैसा पहले ही बताया था कि फिलर्स और एक्सटेंडर जो है उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आपको ऑटोमेटिकली ऐसा चाहिए कि भाई नहीं मेरा कंसिस्टेंसी बढ़ना चाहिए, ये थिक होना चाहिए पेंट, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता तो अच्छा रहता, तो उस केस में यहाँ पे सैंड या फिर क्वार्ट्ज सैंड जिसको बोलते हैं वो फाइनली ग्राउंड रहती है वो ऐड की जाती है या फिर टाल्क ऐड करते हैं। टाल्क आपको पता है हम लोग फेस पाउडर यूज करते हैं, टाल्क वैसे ही एकदम फाइन पाउडर होता है वो ऐड किया जाता है। बायरेट है, BASO4 जो है वो भी एक प्रकार से कलरलेस और वाइट इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो हैविंग हाई हार्डनेस और केमिकल रेजिस्टेंस है और ये एक री इन्फोर्सिंग एडिटिव कहलाता है। तो एडिटिव्स तो हमको 5% ऐड करने ही है हर एक इसमें, तो ये सारे जो है एडिटिव्स का काम करते हैं। काओलिन क्ले हो गया, इसके अलावा लाइमस्टोन हो गया जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा गया है, जो इमल्शन पेंट्स में यूज होता है एज अ फिलर और एक्सटेंडिंग भी एक्सपेंसिव पिगमेंट। जब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है पेंट, जब ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर कुछ मात्रा में ये ऐड किए जाते हैं ताकि उसका वॉल्यूम भी बढ़े और उसकी कीमत कम हो जाए। उसके बाद एडिटिव्स के एग्जाम्पल कौन से है, ड्रायर है, प्लास्टिसाइजर है, फंगिसाइड्स है, फ्लो कंट्रोल एजेंट्स है, डीफोमर्स है, इमल्सिफायर्स है, यूवी स्टेबलाइजर्स है, एंटी स्किनिंग एजेंट्स है, एडेशंस है, करोजन इनिबिटर्स है और टेक्सचराइजर्स है। इन सब के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसीलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ाऊंगी। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस पे। अच्छा अभी पेंट जो है, अभी मैं जैसा पहले हमेशा से ये कहती हूँ कि भाई अभी मुझे चीज को समझना है, कोई नई चीज में पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों पढ़ रही, क्या क्या रीजन है उसके पीछे, मुझे क्या फायदा है उससे। हाँ तो पेंट का फायदा है, क्या फायदा है, पेंट इज अप्लाइड सरफेस विच हैज बीन प्रीवियसली ट्रीटेड बाय द मेथड्स ऑफ। अब पेंट के कौन कौन से एप्लीकेशन है, सरफेस प्रिपरेशन। अभी आपको याद है जब हम लोग घर की दीवार को पहले पेंट करते हैं तो सबसे पहले सरफेस का प्रिपरेशन होता है, तो पहले वो मेसन उसको घोला पानी लगा के चला जाता है, फिर वो सरफेस थोड़ा सा दरदरा रहता है, फिर हम क्या करते हैं उसको पुट्टी डालते हैं, पुट्टी डालने के बाद उसका सरफेस को बनाया जाता है पहले, तो वो उसका एनहेंसमेंट करता है, फिर उसकी सरफेस को क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद उसको रफ बनाया जाता है, रफ भी बनाने के बाद उसको प्राइमर्स डाले जाते हैं, एडेशन प्रमोटर्स डाले जाते हैं, प्लाज्मा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब बातें हम लोगों को पेंट के द्वारा करनी होती है, तो ये सारे उसके एप्लीकेशन है पेंट के। अब पेंट जो है टेस्ट ऑन टोटल कोटिंग, अब इसमें टोटल कोटिंग में दो प्रकार आते हैं, एक है वोलाटाइल मैटर और एक है नॉन वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो उसकी कॉस्ट ऑफ कोटिंग का पता लगाता है। अभी उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो तीन प्रकार की है, एक वेट पर गैलन देखता है, एक वाटर कंटेंट देखता है और एक फ्लैश पॉइंट देखता है। अब हम लोगों को बारी बारी से वन बाय वन जाना होगा। अब यहाँ पे नॉन वोलाटाइल मैटर का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ नहीं, सिंपल है, फ्लैट बॉटम डिश लेना है, एयर ओवन लेना है, एनालिटिकल बैलेंस लेना है, डेसिकेटर चाहिए रहेगा। प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा पिगमेंट लिया 2.5 to 3.5 ग्राम, उसको डिश में लिया, हीट किया 105 डिग्री सेल्सियस तक, ओवन में गर्म किया 3 घंटा, कूल किया डेसिकेटर में, वे किया और नॉन वोलाटाइल मैटर का ये ले लिया, वेट ले लिया।
अब वेट पर गैलन जो है, अभी आपको शुरू में याद होगा मैंने बड़ा ड्रम दिखाया था, वहां पे गैलन दिखाया था 55 था, राइट? तो वहां पे अभी ऑब्टेन वेट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सैंपल हमको इस तरह से, और ये फॉर्मूला सिंपल वाला यूज करना है अपने को, m1 अपॉन m0 मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर m0 इज नथिंग बट मास ऑफ टेस्ट पोर्शन एंड m1 इज मास ऑफ द ग्राम रेसिड्यू व्हिच इज लेफ्ट आउट इन दिस डिश आफ्टर एवेपोरेशन. अब हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है जिसे हम कहते हैं वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट जो पता लगाना होता है इसे हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन भी कहते हैं. अब कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है वो इसी नाम से बड़ा फेमस है. वाटर कंटेंट हमारे सिलेबस में कहा गया है पर कार्ल फिशर टाइट्रेशन के नाम से ही ये फेमस है. अब ये जो है एक ऐसा टाइट्रेशन मेथड है जिसमें एक रिएक्शन हो रही है. अब ये रिएक्शन क्या है, अब यहाँ पे येलो से मैंने दिखाया गया है कि SO2 plus I2 plus H2O give सल्फ्यूरिक एसिड plus HN. अब यहाँ पे होता क्या है, फिशर ने ऐसा डिस्कवर किया था कि सल्फर ऑक्साइड जब एड होता है, एडेड इन एक्सेस ऑफ सेम रिएक्शन दैट कैन बी यूज फॉर वाटर डिटर्मिनेशन बाय टाइट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड एसिड. तो इससे आपको ये पता लगा सकते हो कि कितना वाटर इसमें इस्तेमाल हुआ होगा. अब ये जो SO2 है ऊपर, SO2 plus I2 gives H2O plus H2O gives H2SO4, है ना? तो अब ये जो H2O और SO2 मिलाकर क्या बना, H2SO4 बना, ठीक है? तो अब हमको क्या पता लगाना है कितना वाटर अंदर है, ठीक है? तो अभी कितना वाटर अंदर यूज हुआ होगा इस को टारगेट में रखते हुए, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया. तो कार्ल फिशर ने इस टाइट्रेशन का हेल्प लिया. अब इसमें उन्होंने क्या किया, ये अभी एसिड बन गया, ठीक है? अब हम उसे एक बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे. सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन रहेगा. एसिड बेस टाइट्रेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना एसिड है. जब हमको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना एसिड है तो इससे हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितना वाटर का इस्तेमाल हुआ होगा, कितने वाटर ने कितने SO2 को ये न्यूट्रलाइज करके वो एसिड बनाया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया होगा. और यहाँ जो बेस इस्तेमाल हो रहा है दैट इज पिरिडीन. और पिरिडीन जो है इसे हम लोग इसे कार्ल फिशर ने इस्तेमाल किया हुआ था. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन है, H2O plus I2 plus RNH जो है, ये RNH stands for pyridine and plus उसके साथ में फिर वो रिएक्ट होके रिएक्शन के दौरान ये वाले जब टाइट्रेशन होता है एसिड प्लस बेस का, तब ये जो है वाटर किस तरह से रिएक्ट करके आपको फर्दर ये वाला रिएक्शन देखने को मिलता है. और ये पहले मैनुअली कंडक्ट किया जाता था, अभी इसमें बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो आगे बताए गए हैं. अब हम लोग आते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ. अब यहाँ पे एक बॉटल है, इनफैक्ट दो बॉटल है, एक ऊपर रखी गई एक नीचे की तरफ रखी गई. जो नीचे की तरफ रखी गई है उसके अंदर सैंपल पेंट है, और जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसे हम लोग कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. अब इसमें बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जाना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो जो हमको सैंपल लेना है तो ये जो नीचे रखी गई बॉटल है उसके अंदर एक डिस्पोवैन जैसा अपना इंजेक्शन का बॉटल होता है, इंजेक्शन का ये रहता है, वैसा ही इंजेक्शन से हमको वहां से पेंट को ये करना है, सैंपल को लेना है. को लेने के बाद इंजेक्शन के ही वो उसके थ्रू ये वाला जो दूसरा ऊपर की तरफ में जो बीकर रखा है वो बीकर के अंदर उसके अंदर डालना. अब इसमें क्या है, मेथड क्या है कि पहले आप कैलिब्रेशन स्टेटस देख लीजिए सही है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट क्लीन है कि नहीं देख लीजिए, फ्री फ्रॉम डस्ट है कि नहीं देख लीजिए, स्विच ऑन करना. अब स्विच ऑन करने के बाद वहां पे एक रेड लाइट जो है वो विल ग्लो, वो रेड लाइट वो जो ग्रीन लाइट है LED की वो चलनी चाहिए. फिर फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद KFR बॉटल के बाद स्क्रू उसमें स्क्रू लगा देना, प्लास्टिक कैप से उसको ऑपरेट करना है, होल्डिंग वर्टिकली
क्लोजिंग थी ज्वाइंट कनेक्शन ट्यूब. फिर एयर प्रेशर ये हो जाएगा इन द के एफ आर बॉटल इंक्रीजेस एंड लिफ्ट द के एफ आर एंड फिल द ब्यूरेट, और फिर ब्यूरेट को फिल करना. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस ये ऑटोमेटिक में हो जाएगी. और यहाँ पे अभी मैग्नेटिक स्टरर है जो ऊपर की तरफ बीकर रखा हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक स्टरर है, वो उसको मूव करना शुरू हो जाएगा. और स्लोली उसमें रिएक्शन वेसल में वो धीरे धीरे ब्यूरेट से उसमें ये चला जाएगा. और वहां पे 20 ml मिथेनॉल डाला गया है रिएक्शन वेसल में, और उसको जैक वायर जो है कनेक्ट जैक वायर टू द रिएक्शन वेसल एंड इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स मार्क्ड ई रियर साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्विच ऑन द स्टर. और फिर बाद में इसको पूरा सेटिंग पहले एक बार करके 10 से 15 मिनट रुक के उसकी स्टरिंग होने के बाद उसको रुकाया जाएगा और फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी. केएफआर ड्रॉप्स डाले जाएंगे इनटू द रिएक्शन वेसल बाय ऑपरेटिंग ब्यूरेट वॉल, फिर प्री रेड पॉइंट अंटिल प्री रेड पॉइंट, फिर येलो एलईडी जब ग्लो पी जब वहां पे रीडिंग आएगी नियरिंग टू द एंड पॉइंट इंडिकेशन. पी पॉइंट यानी कि हम नफ्थलीन एंड पॉइंट को पी बोलते हैं, वैसे यहाँ पे एक एंड पॉइंट को पी नाम दिया गया. इस तरह से अभी ये देखिए यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे केएफआर ड्रॉप्स जो है स्लोली ऐड कर रहे हैं 10 से 20 सेकंड्स के लिए. फिर उसके बाद एडिशन जो है एलईडी ई ग्लो ई नाम का जो पॉइंट है वहां ग्लो होगा, और ग्लो होने के बाद वो 30 सेकंड तक जब रहेगा तो इसका मतलब वो एंड पॉइंट आ गया है, यहाँ पे मिथेनॉल का न्यूट्रलाइजेशन हो गया. तो अब ये जो ब्यूरेट है वे 1 ml ऑफ सिरेंज, जैसा मैंने बताया था कि नीचे वाली जो बॉटल है उसके अंदर जो सिरेंज है उसमें 1 ml वो लेना है विद नीडल और स्मॉल क्वांटिटी में वो लेना है डिस्टिल वाटर एंड एड 25 to 100 mg इनटू द रिएक्शन वेसल एंड क्लोज द स्टॉपर, और फिर स्टार्ट करना है. मैग्नेटिक स्टरर स्टार्ट हो जाएगा, टाइट्रेशन शुरू हो जाएगा, और फिर एंड पॉइंट तक वहां पे रेड एलईडी ग्लो होगी. जब ऐसा 30 सेकंड के लिए जब वो ग्लो होती है तो इसका मतलब है रिएक्शन एंड हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, एंड हो गया है. अब इसके लिए बेसिकली यहाँ पे नीचे परसेंटेज वाटर कंटेंट का एक फॉर्मूला है B into F into 100 upon W, वेयर बी इज द वॉल्यूम ऑफ के एफ आर कंज्यूम्ड एंड एफ फैक्टर और डब्ल्यू इज वेट ऑफ सैंपल इन मिलीग्राम. इसको हमको डिटेल में देखना है. उसके बाद कार्ल फिशर का ये जो टाइट्रेशन है, ये जो है कार्ल फिशर के टाइट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको लाइन डायग्राम भी दिया हुआ है. तो लाइन डायग्राम में ही वो दो चीजें है, लाइन डायग्राम में टाइट्रेशन नोजल और सैंपल इंजेक्शन, ये दोनों कंपार्टमेंट दिखाए हुए हैं. तो ये एक आपका मतलब जो प्रोसेस है वो डिटेल में बताते हैं. अब हम लोग आते हैं, ये एक और तरीका है, मतलब इसके दो मतलब दो वर्जन्स बोल सकते हैं. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती वैसे वैसे इन्होंने प्रोसेस को इम्प्रूव किया. तो ये दो टाइप के कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड्स है जिसके दोनों डायग्राम्स यहाँ दिए हुए हैं. मेथड वही है, पहले वाले मेथड में दो कंपार्टमेंट दिए, अभी यहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट है और एक ही तरफ से सैंपल इंजेक्शन कैप दिख रहा है, कैथोडिक चेम्बर है, वहीं के वहीं स्टरर है और सब चीजें वहीं के वहीं इस्तेमाल हो रही है और काम को सिंप्लीफाई किया गया. तो बस मेथड वही है, मेथड का बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, वाटर कंटेंट ही फाइंड करना. लेकिन इस इन्होंने हमको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है कि पेंट के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, अगर ये देखना हो तो ये एक सही तरीका है. अब हम लोग आते हैं फ्लैश पॉइंट की तरफ. अभी फ्लैश पॉइंट, अब फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट हो, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो एक ऐसा यहाँ पे दो डायग्राम आपके सामने है, दो फिगर के सामने. एक कहा गया है ओपन कप फ्लैश पॉइंट अपरेटस और दूसरा है क्लोज कप फ्लैश पॉइंट अपरेटस. अब इसमें जो ओपन कप दिख रहा है, यहाँ पे एक लकड़ी का हैंडल है और वहां एक कप जैसी चीज है, वो कप के अंदर एक छोटा सा पॉइंटर होता है. इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है और यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है जिसमें एक ब्लैक कलर की दी हुई है, एंड दिया हुआ है. तो वो जो ब्लैक कलर का एंड है वहां से गैस जा रही है
और वो गैस के ऊपर एक छोटी सी 0.5 mm थिकनेस की छोटी सी फ्लेम है। अब वो फ्लेम को वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऊपर यानी कि वो जो कप है उसके ऊपर लाया जाता है और वहां पे देखा जाता है कि वो सॉल्वेंट से कितने वेपर्स बनते हैं जिसपे वो एक छोटा सा फ्लैश दिखाए। फ्लैश का मतलब कुछ नहीं होते हैं कि जैसे आग लगी और फट से बंद हो गई तो भप के एक आवाज आती है, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है, पहले उसको दूर रखा जाता है, वो आग को दूर रखा जाता है और वहां पे थर्मामीटर रखा जाता है। थर्मामीटर में हर डिग्री राइज पे वहां पे वो फायर को जो ये जो हैंडल दिख रहा है वहां से फायर को बार बार उसके पास लाना होता है, हर डिग्री पे उसको देखा जाता है। तो एक्चुअली अभी फ्लैश पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द मिनिमम पॉइंट at which the solvent forms that much vapors so that it gives us a momentary flash. एक छोटा सा momentary flash दिखाता है, इसे हम लोग कहते हैं flash point. अब flash point दोनों apparatus, पहले जो था open cup use किया जाता था, अभी close cup use करते हैं। तो close cup में बड़ा आसान है, close cup में उन्होंने फिर से देखिएगा आप black color का वहाँ handle है close cup में और वो ब्लैक कलर का जो हैंडल है उसके सामने वहां पे छोटी सी फ्लेम है और ऊपर थर्मामीटर है और दूसरा स्टरर है। हाँ, ये जो प्रोसेस है इसमें याद रखना है हमेशा कि अंदर सॉल्वेंट को यूनिफॉर्मली स्टरिंग होना जरूरी है। तो ये स्टरिंग होता है और यहाँ पे हर डिग्री राइज पे जैसे ही ये नॉब ऑन करेंगे तो धीरे धीरे अंदर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे हर डिग्री बढ़ते जाएगा तो हमको यूनिफॉर्मली उसको स्टर करते जाना है और फिर वहां पे ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो उसके पास ले जाना है। तो पास जब हम लेके जाएंगे तो सॉल्वेंट के जो वेपर्स है अगर वो उतने हो जाएंगे, मतलब देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर्स व्हिच विल कॉज द मोमेंटरी फ्लैश, मतलब आग लगने से पहले वाला पॉइंट, जब आग लगने वाली पॉइंट होते है उसे फायर पॉइंट कहते हैं और उसके पहले जो होता है दैट इज फ्लैश पॉइंट, मतलब उतना वेपर वहां पे है जिसकी जिससे वो एक मोमेंटरी आपको फ्लैश दिखता है। जब हम लोग कई बार हम लोग गैस में भी ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि एक भप से आवाज आता है तुरंत बंद हो जाता है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब ये जो पार्ट है इस तरह से ओपन कप और फ्लैश क्लोज कप जो अपरेटस है हम लोगों को सॉल्वेंट के इसमें हमको इम्पोर्टेंट होता है देखने के लिए। तो ये देखा जाता है पेंट के केस में, सॉल्वेंट जब हम लोग पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, एरोमेटिक से सारे, तो फ्लैश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले इन सब बातों का पहले ध्यान रख लिया जाता है, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। सामड़ो मनन बुलाना पापा को। तो मैंने किया स्टॉप एंड शेयर लिखा था उधर, कहाँ शेयर करना है?